गुड मॉर्निंग क्लास। इस समय आज आप संस्कृत पढ़ेंगे। आपका विषय क्या है? संस्कृत। मैंने संस्कृत के आपको पहले प्रार्थना भेजी थी, फिर पाठ फर्स्ट भेजा था, यानी पहला पाठ भेजा था। पहला पाठ था आपका बोध उद्गम, ठीक है, बुद्धि वर्तम। दूसरा पाठ जो मैंने आपको भेजा था, वह भेजा था मैंने असत्य से, मतलब कितनी हानि होती है, यानी झूठ बोलने से कितनी हानि होती है। मैं आज आपको संस्कृत में पार्ट तीन पढ़ाऊंगी। बेटा मुझे पता है कि आप सब ने किताबें वगैरह ले ली होंगी, अब आपका कार्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे आपका काम भी देखना है। तो आप कॉपी चेक कराने के लिए जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तब आप मेरे पास आकर कॉपी का करेक्शन आ सकते हैं कराने के लिए, ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वह आप मेरे से फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा मालूम कर सकते हैं। अब मैं आपको संस्कृत में जो पढ़ाने जा रही हूँ, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ तीन। पाठ आपको मैंने पहले ही बताया था संस्कृत आपके लिए नहीं है बेटा। रोज पाठ को चाहे दो या चार लाइन जो भी पढ़ोगे, धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, तो इसलिए इसका अभ्यास लगातार करते रहिएगा, ठीक। खगाना संसार है, खगाना संसार है। खगाना खगाना क्या होता है क्या? सभी बच्चों को पता है खग मीन्स क्या होता है। खग मीन्स होते हैं पक्षी। खग मीन्स क्या होते हैं? पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। संसार है, संसार है का मीन्स होता है संसार, यानी पूरे संसार में जो पक्षी हैं, जब वे अपनी सुबह सुबह या जाते ही किसी भी समय अपनी आवाज़ मधुर आवाज से गुंजन करते हैं तो मन को बड़ी अच्छा सा, मतलब प्रफुल्लित सा हो जाता है मन कि हाँ जी उनकी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। जब पक्षी जब मतलब उड़ते हैं आकाश में तो हमारा भी मन करता है कि काश हम उड़ते और ये जैसे आकाश छू रहे हैं और हम भी छूते। जिस तरह से व्यक्तियों के अंदर, यानी अलग अलग प्राणी जो होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, उसी प्रकार आपके जो पक्षी हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। मोर है, मोर आपको पता है मोर कितना सुंदर होता है, उसके पंख कितने सुंदर होते हैं, उसके जो पंख होते हैं हम उन्हें किताबों और कॉपियों में भी रखते हैं, जैसे कहते हैं कि विद्या बहुत अच्छी आती है, ये हमारी धारणा बनी हुई है शुरू से। मोर को राष्ट्रीय पक्षी भी कहते हैं, उसके पंख देखे हरे से नीले से होते हैं ना, कितने सुंदर सुंदर मोर। आपको पता है मोर जो है वह सांप खाता है। मोर क्या खाता है? सांप खा जाता है मोर। और मोर वर्षा ऋतु में बहुत ही अच्छा सुंदर नृत्य करता है, यानी नाचता है। उसी प्रकार तोता है, तोते का रंग कैसा होता है सभी को पता है, हरा होता है। और कुछ तोते जो होते हैं मतलब अधिकांश मिट्टू मिट्टू करके बात भी करती है ना, उनसे जब बात करो उन्हें पालते भी है तोते को, उसकी चोंच हरी होती है, उसकी चोंच लाल होती है। तो कई पक्षी जो हैं अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं, अच्छे अच्छे लगते हैं। हंस है वह सफ़ेद रंग का होता है, बगुला है वह सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन हंस की चाल इतनी अच्छी होती है कि देखने में जब वो चलता है तो अच्छा दिखता है। तो आज आपको इसी के विषय में इस वाले पाठ के अंदर पढ़ाया जाएगा, और इनसे हमें सीख भी मिलती है। पक्षियों से हमें सीख क्या मिलती है? एकता में रहने की सीख भी मिलती है, क्योंकि ये झुंड बनाकर रहते हैं। जब ये झुंड बनाकर रहते हैं तो उनमें एकता नजर आती है, तो वही एकता हम लोगों को अपने जीवन में निभानी चाहिए, अपनानी चाहिए। तो क्या है पाठ का नाम आपका? खगाना संसार है, यानी पक्षियों का संसार। पक्षी है ना, तो पक्षी कैसे हैं देखिए। ऐसे है मयूर है अस्थि, यह मोर है। अस्य पक्षा चित्रवर्णा संति, इसके जो पंख होते हैं, पक्षा मानी हो गया पंख, चित्र यानी चित्रवर्णा अनेक रंग के या रंग बिरंगे हैं। किसके हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अंदर अयम अति सुंदर खगर अस्थि, यह बहुत ही अति मान होता है, बहुत ही सुंदर खगे माने हुए पक्षी, यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। अस्य नील वर्ण कंठ अति मनोहर
अस्थि, इसका जो नीला कंठ, कंठ जानते हैं सभी बच्चे, गला जो होता है, ये जो उसकी गले की चीज होती है, ये कौन से रंग की होती है? नीले रंग की, बहुत ही सुंदर होती है। मयूर है उप वनेशु वस्ति, मोर वन माने, उपवन माने क्या होता है? बाग बगीचे होते हैं ना, वहां पर बस्ती माने होता है रहता है। मोर कहाँ पर रहता है? मोर बाग में रहता है। अयम वक्षेषु उपविशति, यह पेड़ों पर बैठता है। मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, पता है आपको, मोर की जो उड़ान है वह ज्यादा नहीं होती है, मोर थोड़ी सी ही स्थान तक उड़ता है, यह लेकिन पेड़ों पर बैठ जाता है। वर्षा काले अयम मेघ गर्जनम श्रुत्वा केका इति ध्वनि करोति, वर्षा के समय, दिया है वर्षा काले यानी काले माने के समय, वर्षा के समय यह मेघ माने होते हैं बादल, बादलों की गर्जना माने हुई गर्जना, श्रुत्वा माने होता है सुनकर, यानी जब बादल गरजते हैं उनकी आवाज को सुनकर, केका इति ध्वनि करोति, केका जैसी ध्वनि निकालता है, कैसी ध्वनि निकालता है? केका जैसी ध्वनि या आवाज निकालता है या करता है। अयम वर्षा काले नृत्यति, यह वर्षा काले यानी वर्षा ऋतु जो होती है, बारिश जो पड़ती है उसमें क्या करता है? अपना नाचता है। अस्य नृत्यम जनाना हृदयम आकर्षति, जब यह नाचता है, ठीक है, इसका नृत्य जो है, इसका मोर का नृत्य जो है लोगों के हृदय को आकर्षित करता है, यानी जब उसका नाच देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मयूर फलानी खादती, मोर फलानी माने होते हैं फल, मोर फल खाता है। सर्पम अपि भक्षति, सांप भी यह खाता है, मैंने भी आपको पहले भी बताया था। अतः सह सर्पस्य शत्रु अस्ति, अतः जो वह सांप जो है उसका शत्रु है, मोर का शत्रु है या दुश्मन है। पहला आपको जो पैरा है वो समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो इसको एक बार पढ़ेंगे, ऊपर आपकी नीचे हिंदी भी दी हुई है, एक एक शब्द को देखना, उच्चारण करके देखना, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अब आता है पिके, पिके हो क्या होती है? पिके मानी होती है कोयल, पिके किसको कहते हैं? कोयल को कहते हैं। कोयल काली होती है, लेकिन काली होने के बाद भी इसकी आवाज इतनी मधुर होती है कि कानों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे पिके अस्ति, यह कोयल है, अयम कृष्ण अस्ति, यह काली है, कृष्ण माने काली। काको अपि कृष्ण अस्ति, और काको माने क्या हो गया? काके माने क्या होता है बेटा? पौवा, पौवा भी यानी कि काला है। पर पिकस्य स्वर मधुरो भक्ति, लेकिन अब इन दोनों में देखो इन्होंने क्या अंतर बताया है, इन्होंने कहा है कोयल भी काली है और कौवा भी काला है, लेकिन कौवे और कोयल में क्या अंतर है? कोयल की जो आवाज होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है, और कौवा 24 घंटे काँव काँव जब करता है तो ये कहते हैं अरे जल्दी से बोलो, भी काँव काँव कर रहा है, यानी काला होने के बावजूद इन दोनों की वाणी में कितनी भिन्नता है। स्वरेण एवं पिकस्य परिचयो भवति, आवाज से ही कोयल का परिचय होता है। जब आम के बागों में जाते हैं, जब आम पर वो आते हैं ना, वो कहते हैं छोटी छोटी से कमियाँ सी आ जाती हैं कि आम के बाग को आ जाते हैं, तो उस पर उस समय कोयल ज़्यादा जाकर बैठती है, और वहाँ पर जब उसकी आवाज़ होती है तो वह सुनने से ही पता चल जाता है कि कहीं पर कोयल बोल रही है। ऐसे नीड़े बस्ती, यह खाए में रहती है, नीड़ माने क्या होता है? घोंसला, यह घोंसले में रहती है। उपवनेशु अस्य नीड़ानी भवन्ति, इस उपवन माने पहले भी बताया था, उपवन माने होता है बाग और बगीचे होते हैं, बाग में ही यह अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले कहाँ होते हैं? इसके घोंसले बाग में ही होते हैं। ऐसे मधुरम फलम खादती, यह मधुर माने मीठा,
पलम माने फल, खादती माने खाती है, यह मीठा फल खाती है। वसंत समय ऐसे सुमधुरम पूजती, वसंत के समय, देखिए वसंत के समय वो मोरगम नाच रहा था वर्षा वाले, लेकिन ये कौन से मौसम में, बसंत के समय है ना, बसंत के समय बहुत मीठा फूटती है। मैंने इसको आपको पहले लाइन बताई है कि जब बागों में बहुत अच्छे अच्छे मतलब फूल फल आने लगते हैं तो यह वहाँ पर फूटती है, अपनी मीठी आवाज में गान करती है। अस्य कुंजन सर्वेण जनानाम हितम आहा हृदयति, इसका फूकना सभी के चित्त को प्रसन्न करता है, अर्थात सभी के मन को अच्छा लगता है। पहले हमने किसके विषय में पढ़ा, पहले हमने मयूर के विषय में पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, कीके के विषय में पढ़ा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, किसके विषय में पढ़ेंगे, शुके, शुके माने क्या था, तोता। अयम शुके अस्ति, यह तोता है, तोते का रंग सभी को पता है कैसा होता है, हरा। असे वर्ण है हरित भवति, इसका रंग हरा होता है। असे चक्षु लोहिता, लोहिता माने बेटा लाल होती है, ठीक है, भवति, इसकी जो चोंच है वह लाल होती है। अयम जनाना वाचम अनुकरोति, यह लोगों की आवाज भी निकाल नकल करता है, यानी लोगों की आवाज निकालता है ना, तो यह लोगों की आवाज की नकल करता है। अयम शोभनम शोभने खग अस्ति, यह शोभने माने होता है सुंदर, खगे माने होते पक्षी, यह सुंदर पक्षी है। जना एनम ग्रहेषु पालयन्ति, लोग इसे घरों में क्या करते हैं, पालते हैं, मैंने बताया था आपको ना, पालते हैं। अयम उपवनेषु अस्ति, लेकिन यह कहाँ पर रहता है, यह बागों में रहता है। ऐसे मधुराणी फलानी खादती, यह भी कैसे फल खाता है, मीठे फल खाता है, देखिए कड़वे फल कोई भी नहीं खा रहा है इसमें, सब मीठे फल खा रहे हैं। अयम मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, यह मनुष्य का मित्र है, मनुष्य का मित्र क्या है, क्योंकि यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और यह उनके साथ में बहुत प्रेम से रहता है, सुबह सुबह से राम राम बोलते राम राम भी करता है। अब हमने किसके विषय में पढ़ा, अब हमने इससे पहले जो पढ़ा आपका पिकह के विषय में, शुकह के विषय में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे हंस है, हंस है ना सफेद रंग का जो होता है। अयम हंस है अस्ति, यह हंस है। अस्य वर्ण है श्वेत माने होता है सफेद, वर्ण माने हो गया रंग, यह सफेद रंग का होता है, हंस कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का है ना। मोर का कंठ कैसा था, नीला था, और फिर तोते की चोंच कैसी थी, लाल थी, और कोयल कैसी थी, काली थी, और कौवा भी कैसा था, काला था। मैं आपके इसमें से बीच में से भी प्रश्न बनाकर दे सकती हूँ, इसलिए पूरे पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बको अभी श्वेत अस्ति, बको अभी माने बगुला है ना, बको माने बक माने क्या होता है, बगुला, बगुला भी सफेद है। पर हंसस्य गति शोभना अस्ति, पर हंस की गति सुंदर है, यानी चलने की जो चाल है उसकी वह बहुत अच्छी है। हंस सरोवरेषु बस्ति, हंस कहाँ रहता है, सरोवर माने क्या होता है बेटा, तालाब, आपने देखे होंगे जो तालाब होते हैं उसमें हंस जो है सफेद रंग के हंस होते हैं, उनकी चोंच बहुत वैसी होती है थोड़ा सा, तो वह उसके अंदर रहते हैं। अयम नीर शीर विवेकी कथ्यते, यह पानी और दूध को अलग करने का, देखिए नीर शीर विवेकी कथ्यते, पानी और दूध को अलग करने का ज्ञान रखने वाला कहलाता है। किस किस को अलग करता है, ये दूध को और पानी को, ये बात आज आपने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि तो अभी आपको नहीं पता होगा हंस के अंदर कितनी वो है क्षमता कि वह पानी और दूध को अलग कर देता है। अयम आकाशे अपि उत्पतति, यह आकाश में भी उड़ता है, पृथ्वी पर तो ये रहता ही रहता है और ये क्या करता है, आकाश में भी उड़ता है। भूमो अपि हंसे चलती, भूमि पर भी चलता है, आकाश में उड़ने के साथ साथ क्या करता है, ये भूमि यानी जमीन पर भी चलता है।
हंस है मत्स्य यान भक्ष्यति। मत्स्य माने बेटा मछली होती है, भक्ष्यति माने होता है कि यह खाना, भक्ष्यति माने क्या हो गया खाना, यह किसको खाता है, यह मछलियों को खाता है। अयम अति सुंदर अस्ति, यह बहुत सुंदर है। अस्य स्वरोपि सुमधुरम अस्ति, इसकी आवाज भी बहुत मधुर है। आपने इस पाठ के अंदर कितना अच्छा पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है, ये आप सभी को पता है। कुछ नई जानकारियां भी मिली है, कुछ बच्चों को कुछ जानकारियां इसमें पहले से ही होंगी, लेकिन जो संस्कृत के छोटे छोटे से शब्द आए हैं, जैसे वर्ण आया है, रक्त आया है ना, और लोहित आई है आपके, और चक्षु आई है, इन शब्दों का बेटा बहुत ध्यान से एक एक शब्द को पेंसिल लेना और पेंसिल से अंडरलाइन करके देखना कि इसका अर्थ क्या निकलता है। यह पाठ आपका बहुत आसान सा था, इसमें पक्षियों के विषय में आपको जानकारी दी गई। आपका पाठ का जो है समाप्त होता है यहीं पे पढ़ना। अब आपको मैं इसका कार्य भेजूंगी बेटा, शब्द अर्थ भेजूंगी, प्रश्न उत्तर भेजूंगी और अभ्यास कार्य भेजूंगी, जो आपको केवल मैं आंसर तो यानी उत्तर तो लिख के भेजूंगी, प्रश्न आपके पास में स्वयं होंगे, उसे आप अपनी किताब और कॉपी में साफ साफ करेंगे। फिर बता रही हूँ कि शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर और अनुवाद वह आप अपनी कॉपी के अंदर करेंगे और किताब के अंदर जितना अभ्यास कार्य है वह करेंगे। थैंक यू बेटा।